मैं हूं श्वेता श्वेता किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं फिर से आप लोगों के लिए फिश की रेसिपी लाई हूं। आज मैं बना रही हूं रोहू फिश। लेकिन आज की फिश की खास बात यह है कि इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो मस्टर्ड और खसखस -खस से। इस ग्रेवी में जो मैं खसखस यूज़ की हूँ उसे बंगाली में पोस्तो और इंग्लिश में पॉपिशीड बोलते हैं अब जब भी घर पे रोहू फिश लाए तो इस तरह की ग्रेवी में उसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो फिर चलिए बिना देर किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना यहाँ मैं दो बाउल ली हूँ और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी एक बाउल में दो चम्मच मस्टर्ड और दूसरे बाउल में चार चम्मच खसखस देखिए खसखस इस तरह का कुछ होता है दोनों को 30 से 40 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी ताकि इसका पेस्ट तैयार करें तो इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो अब दोनों में हाफ़ हाफ कप पानी डालकर रख दूंगी। मैंने इसलिए अलग अलग सोक करने के लिए रखा क्योंकि मुझे इसे अलग अलग टाइम पर यूज़ करना है 40 मिनट हो चुका है सरसों अच्छे से फूल चुका है अब सरसों को पीस लेंगे तो उसके लिए यहाँ मैं मिक्सी का जार इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें मस्टर्ड डाल दूँगी और इसमें जो बचा हुआ पानी था उसे भी ऐड कर दी हूँ और साथ ही यहाँ मैं दस से बारह कली लहसुन का और दो मिर्च हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और सभी को एक साथ पीस कर पेस्ट तैयार कर रही हूँ सरसों और लहसुन को पीस कर देखिए इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर ली हूँ सरसों को जब भी पीसे बारी की पीसे तभी इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी अब चलते हैं फिश को मैरिनेट कर लेते हैं तो यहाँ मैंने सात पीस ली हूँ रोहू फिश की और इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ मैरिनेट करने के लिए इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और मछली में अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसालों को अच्छी तरह से फिश में लगाएँ ताकि चारों तरफ से फिश में लग जाए देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं देखिए कितने अच्छे तरह से लग चुका है दस मिनट के बाद फिश को फ्राई करूँगी तो यहाँ मैंने फिश को फ्राई करने के लिए पैन का इस्तेमाल किया है पैन में मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें फिश डालूँगी तेल को हाई फ्लेम में गर्म की हूँ अब फिश इसमें एक एक करके डाल दूँगी सारा फिश मैं एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि पैन बड़ा है और सारा फिश एक साथ आ जा रहा है पैन में सारे फिश को मैंने पैन में डाल दी हूँ अब गैस का फ्लेम हाई ही रखूँगी और इसे कुछ देर बाद पलट कर चेक कर लूँगी कि ये अच्छे से नीचे तरफ़ से पका है कि नहीं पैन में डाले हुए फिश को तीन से चार मिनट हो चुका है अब इसे पलट लेते हैं तो एक एक करके पलट कर चेक कर लीजिए देखिए फिश का कलर कितना अच्छा आ गया है नीचे की तरफ़ सारे फिश को इसी तरह से पलट लूँगी सारे फिश को पलट चुकी हूँ देखिए कितना अच्छा कलर आया है दूसरे साइड भी फ्राई करते हुए तीन से चार मिनट का टाइम हो चुका है चलिए दूसरे साइड भी पलट कर चेक कर लेते हैं चलिए दूसरे साइड भी पलट लिया है देखिए इसका भी कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया बहुत डीप तो नहीं करना होता है वरना मछली का टेस्ट बिगड़ जाता है बस मुझे इसी कलर का चाहिए अब तेल से इसे बाहर निकाल लेते हैं इस फिश करी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अब इसके लिए ग्रेवी तैयार करूँगी तो मैं इसी पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और जितना तेल है बस उतना ही तेल में मैं इसे बनाऊँगी इसमें हाफ़ चम्मच में साबुत जीरा डाली हूँ जीरा के चटकते ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था ना मस्टर्ड वाला उसे ऐड कर दूँगी जार में थोड़ा सा पानी डालकर सारा पेस्ट निकाल लूँगी और पैन में डाल दूँगी अभी इसे हाई फ्लेम में इसे पकाना है देखिए ये अभी बहुत पतला लग रहा है ना जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा ये थोड़ा गाढ़ा होते जाएगा देखिए इसमें पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है अब गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करूँगी हाफ चम्मच हल्दी पाउडर हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आता है एक चम्मच जीरा पाउडर हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर और वन फोर्थ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूंगी। गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखूंगी और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लूंगी। गैस का फ्लेम इसलिए लो रखना है ताकि मसाले जले नहीं क्योंकि पानी बिल्कुल सूख चुका है मसालों का कलर चेंज होने तक भुनना है जब ये मसाले भून जाएंगे तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी अभी मसाले भुने नहीं हैं क्योंकि इसमें से खुशबू नहीं आ रही है थोड़ी देर और भूनूंगी तो हो जाएगी देखिए इसका कलर कैसा डीप कलर का हो गया है और इससे अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है ये अच्छे से भून चुका है अब इसमें डालूंगी टमाटर यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस ली थी उसी जार में अब इसे डाल दूंगी सरसों के मसाले में टमाटर का फ्लेवर अच्छा लगता है थोड़ा सा खट्टा हो जाता है तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है इसलिए जब भी आप मछली बनाएं तो उसमें टमाटर का यूज़ ज़रूर करें और ख़ास करके जब आप सरसों वाली ग्रेवी तैयार करें तो उसमें टमाटर ज़रूर डालें अब इसे लो से मीडियम फ्लेम के बीच में इसे भी थोड़ी देर के लिए पका लेना है टमाटर भी मसालों के साथ अच्छी तरह से पक चुका है ये जो ग्रेवी बनेगी ना जबरदस्त बनेगी अब इसमें डालूँगी पानी मैंने जिस जार में टमाटर को पीसा था उसी जार में मैं पानी ऐड करके इसमें पानी डाल दे रही हूँ इसमें मैं टोटल एक ग्लास पानी डाली हूँ अभी इसे हाई फ्लेम में करके इसे उबाल लेना है ग्रेवी आप अप अपने हिसाब से गाढ़ा पतला रख सकते हैं अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें ग्रेवी में जल्दी से उबाल लाने के लिए इसे ढककर हाई फ्लेम में उबाल लूँगी यहाँ मैं ढक दी हूँ गैस का फ्लेम हाई कर दी हूँ चलिए ढक्कन हटा कर देख लेती हूँ देखिए ग्रेवी में कितना अच्छा उबाल आ चुका है अब इस ग्रेवी में मैं ये जो फिश फ्राई करके रखी थी उसे डाल दूँगी ग्रेवी में फिश को अलट पलट लेंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी फिश में लग जाए गैस का फ्लेम हाई करके इसे कवर करके कुछ देर के लिए मछली को पका लूँगी ताकि ग्रेवी जो है वो मछली में अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए कुछ देर हो गया है कवर हटा ली हूँ अब इसमें डालने की बारी है खसखस की खसखस को मैंने पीसकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर ली हूँ देखिए ये कितना स्मूथ है अब इसे पैन में डाल दूंगी और गैस का फ्लेम मैं लो रखी हूँ इसे मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है खसखस को मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ यदि ज़्यादा पकाऊँगी तो इसका फ्लेवर चला जाएगा इसमें कुछ कटी हुई हरी धनिया के पत्ते ऐड कर रही हूँ और दोनों को साथ में मिक्स कर दूँगी मैं खसखस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ और जब तक मिक्स करूँगी तब तक गैस का फ्लेम लो रखी हूँ मिक्स होते ही गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी अभी टेस्ट कर लें और नमक कम लगे तो अभी ऐड कर सकते हैं और साथ में मिक्स कर लें इस तरह की फिश करी बनाएं तो उसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं तभी वो ज़्यादा टेस्टी लगती है लीजिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये फिश करी हमारा रेडी है चलिए इस फिश करी को सर्व कर लेते हैं इस फिश को आप बॉयल राइस के साथ खाएं ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें बेल बटन प्रेस करेंगे तभी मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा थैंक यू